अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहाँ पर है आज भी। क्या करेंगे वो, उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है आप वहाँ पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से वो मस्जिद है, वहाँ पर नमाज हो रही है। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तेवर में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स एमपी को गोली मार दी गई। क्या वैसे इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, बन चुका है। बीजेपी की सरकार है, 5-10 हज़ार घर जला दिया गया मेटी लोगों के, 6 लाख एमुनेशन हथियार गोलियां लूट ली गई हैं, 50 हज़ार लोग बेघर हो गए हैं। ये सब चीज़ें हैं।